सरसों और राई की गिनती भारत की प्रमुख तीन तिलहनी फसलों में होती है, जो देश में आई पीली क्रांति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, जिसके कारण भारत में तेल के आयात में न केवल अनअपेक्षित कटौती हुई बल्कि निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ी है। विश्व में प्रमुख तिलहन फसलों में मूंगफली, सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी है। अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, चीन व भारत प्रमुख तिलहन उत्पादक देश हैं। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सरसों की खेती वैज्ञानिक तरीके से की जाए और बुआई से लेकर कटाई तक कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाए तो फसल को रोगों से बचाया जा सकता है और अधिक उपज ली जा सकती है। सरसों की फसल किसानों में बहुत ही लोकप्रिय है क्योंकि ये फसल कम सिंचाई और लागत में दूसरी अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक लाभ देती है। सरसों की खली में 38-40% प्रोटीन होता है और ये एक अच्छा पशु आहार माना गया है। सरसों की फसल में कम उत्पादन के कारण अधिक बीज दर, उपयुक्त किस्मों का चयन ना करना, असंतुलित उर्वरक प्रयोग, रोग व कीटों की रोकथाम ना करना और नमी की सीमित मात्रा, साथ ही खरपतवारों का अधिक प्रकोप होना है। सरसों की अच्छी पैदावार किसानों की आर्थिक स्थिति को काफी हद तक प्रभावित करती है। सरसों की खेती में नवीनतम तकनीकें अपनाकर भरपूर लाभ उठाया जा सकता है। सरसों की खेती के लिए शुरुआत होती है भूमि की तैयारी से। जिस जमीन में खेती की जाती है उसको सबसे पहले खेती के लिए अच्छे से तैयार किया जाता है। फसल का उत्पादन बहुत हद तक भूमि की तैयारी के ऊपर निर्भर करता है। सरसों की अच्छी पैदावार के लिए बलुई दोमट मिट्टी, जिसमें जल निकास की सुविधा हो, साथ ही अत्यधिक अम्लीय व क्षारीय ना हो, उपयुक्त कही जा सकती है। हालांकि क्षारीय भूमि में सरसों की सही किस्म के चुनाव से अच्छी पैदावार ली जा सकती है। जहां जमीन क्षारीय हो वहां प्रति तीसरे वर्ष जिप्सम 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जिप्सम को मई या जून में जमीन में मिला दें। खेत की तैयारी के बाद बारी आती है फसल बुआई की। इसके लिए बुआई के समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर हमारे किसान सही समय पर बुआई करते हैं तो उन्हें अच्छी पैदावार मिल सकती है। बुआई का उचित समय किस्म के अनुसार सितंबर मध्य से लेकर अक्टूबर अंत तक का होता है। सरसों में अंकुरण अच्छा हो इसके लिए बुआई के समय दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सरसों की बुआई नवंबर में करनी हो तो देरी से बुआई के लिए उपयुक्त किस्मों का उपयोग करने से अधिक पैदावार प्राप्त की जा सकती है।